इस समय हमारे पास बैठे हुए हाथरस नगर के जाने माने काय चिकित्सक डॉक्टर मुरारी लाल अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। आपको भी दीक्षित जी, आपने देश के गद्दारों के बारे में कुछ कविताएं लिखी हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। देखिए, ऐसा है कि हमारे सामने दो समस्याएं हैं जी। एक हमारे देश का दुश्मन जी, और उससे भी बड़ी समस्या है देश के गद्दार। देश के गद्दार, क्योंकि दुश्मन तो सामने है लेकिन गद्दार तो हमारे ही बगल में है, और उसे ही गद्दार को हम लोग कहते हैं आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप, तो आस्तीन का सांप बड़ा खतरनाक होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बताया जाता है जी, ये समझना है कि आस्तीन के सांप क्या है। आस्तीन के सांप की परिभाषा, परिभाषा क्या है सर? मैं चाहूंगा दीक्षित जी आप भी साथ साथ। हाँ बिल्कुल। कि कुछ नर विषधर बने देश में बास करते हैं, कुछ नर विषधर बने देश में बास करते हैं, जिंदगियों को नित मौत के पास करते हैं, जिंदगियों को नित्य मौत के पास करते हैं, मानवता को दानवता का दास करते हैं, मानवता को दानवता का दास करते हैं, वही सिर्फ रे स्वयं राष्ट्र का नाश करते हैं, वही सिर्फ रे स्वयं राष्ट्र का नाश करते। बहुत सुंदर। कि जिन्हें विदेशी दुश्मन प्यारे वो धरती पर भार है, जिन्हें विदेशी दुश्मन प्यारे वो धरती पर भार है, आस्तीन के सांप वही है भारत के गद्दार है, आस्तीन के सांप वही है भारत के गद्दार है। आगे बताएं सर। कि खाते पीते अन्न देश का गीत विदेशी गाते हैं, अपने घर की ही थाली में छेद लाख कर जाते हैं, खाते पीते अन्न देश का छेद लाख कर जाते हैं, कि मूर्ख हमेशा दुश्मन का संग देने को तैयार है, मूर्ख हमेशा दुश्मन का संग देने को तैयार है, आस्तीन के सांप वही है भारत के गद्दार है, आस्तीन के सांप वही है भारत के कि राष्ट्र प्रेम की आड़ में छुप कर, राष्ट्र प्रेम की आड़ में छुप कर जड़ें देश की ही काटे, टुकड़े टुकड़े गैंग बनाकर जनमन के मन को बांटे, टुकड़े टुकड़े गैंग बनाकर जन जन के मन को काटे। खाल शेर की ओढ़ रहे हैं, खाल शेर की ओढ़ रहे हैं,
लेकिन दुष्ट सियार हैं, खाल शेर की ओढ़ रहे हैं, लेकिन दुष्ट सियार हैं, आस्तीन के सांप वही हैं, भारत के गद्दार हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि अपनी स्वार्थ सिद्ध की खातिर, अपनी स्वार्थ सिद्ध की खातिर लोगों को कटवाते हैं, जीते दुश्मन तो मिठाइयां खुश होकर बंटवाते हैं। दुश्मन जीतता है तो मिठाइयां बांटते हैं। कितने बेशर्म देखिए, ये कितने मकार हैं, कितने बेशर्म देखिए, वो कितने मकार हैं, आस्तीन के सांप वही हैं, भारत के गद्दार हैं। आनंद आया आप लोग, बहुत अच्छी बात। अगला कि जय जय करें, जय जयकार करें दुश्मन के, झंडों को लहराते हैं, पाकिस्तान के झंडों को लहराते हैं, बिल्कुल। कि जय जयकार करें दुश्मन के, झंडों को लहराते हैं, आती है जब आंच स्वयं को देशभक्त बतलाते हैं, बिल्कुल। जब सरकारी सिकंजा कसता है, हाँ, कितने सफाई देते हैं, सफाई दे करके साहब हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं, कोई नहीं है, बिल्कुल। कि तन के उजले मन के काले, तन के उजले मन के, तन के उजले मन के काले, दुष्ट बुद्धि भंडार है, दुष्ट बुद्धि के भंडार है, वाह। तन के उजले मन के काले, दुष्ट बुद्धि भंडार है, आस्तीन के सांप वही है, भारत के गद्दार है, आस्तीन के सांप वही है, भारत के गद्दार है। क्या बात। अब देखिए हम लोगों को क्या करना चाहिए जी, हम ऐसे उनके लिए मैसेज क्या है, मैसेज ऐसे गद्दारों के लिए, ये हम जो देश और हम सब जनता के लिए क्या संदेश है, संदेश है जी, कि सावधान रहिए इन सब से, सावधान रहिए इन सब से, सावधान रहिए इन सब से, बहस कर इनका करिए, साबुदान रहिए इन सब से, बहिष्कार इनका करिए, देश द्रोह के भाव हटा कर देश प्रेम इनमें भरिए, हृदय परिवर्तन करिए, हृदय परिवर्तन करिए, बिल्कुल। नहीं साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, हाँ। जैसे हमारे मेडिकल साइंस में तो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं, ब्लड ग्रुप बदल देते हैं, तो इनका ब्लड ग्रुप ही बदल दी, बिल्कुल। सावधान रहिए इन सब से, बहिष्कार इनका करिए, देश द्रोह के भाव बदल कर देश प्रेम इनमें भरिए, तो ना सुधरे तो छीन लीजिए, अगर तब भी नहीं सुधरते तब, हाँ, कि ना सुधरे तो छीन लीजिए जो इनके अधिकार है, ना सुधरे तो छीन लीजिए जो इनके अधिकार है, आस्तीन के सांप यही है, भारत के गद्दार है।